व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों 2010 में एक मूवी आई थी पीपली लाइव। इसमें मूवी से ज्यादा चर्चा तो फिल्म के मुख्य पात्र की हुई थी, क्योंकि इसके मुख्य पात्र नत्था की भूमिका हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार ओमकार दास मानिकपुरी जी ने निभाई थी, जिनको आमिर खान की मूवी में काम करने का मौका मिला। और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि एक छत्तीसगढ़ कलाकार की बॉलीवुड में एंट्री हुई। तो चलिए दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ओमकार दास का जन्म 1971 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक गांव में हुआ था। उनके पिता पेशे से कृषक थे। ओमकार ने मात्र 5वीं तक ही पढ़ाई की, क्योंकि जब वे 5वीं कक्षा में थे तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारी ओमकार के ऊपर आ गई। वे घर चलाने के लिए एक नाटक मंडली में शामिल हो गए। ओमकार ने मात्र 17 साल की उम्र में अपने गांव में अपने अपने की बारीकियां लोगों को दिखाना शुरू कर दी थी। ओमकार एक बेहद अच्छे डांसर, मिमिक्री आर्टिस्ट और अच्छे कॉमेडियन हैं। जब वे थोड़े लोकप्रिय हुए तो उन्होंने अपने गांव के थिएटर को छोड़कर भोपाल के हबीब तमीर के थिएटर को ज्वाइन कर लिया। इस थिएटर ग्रुप में उन्होंने भारत सहित कई देशों में अपने अभिनय का कमाल दिखाया। ओमकार ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत आमिर खान की निर्देशित फिल्म पीपली लाइव से की। दोस्तों एक रोमांचक बात इस फिल्म के बारे में आपको बता दूं, इस फिल्म में नत्था का रोल खुद आमिर खान करना चाहते थे और फिल्म में ओमकार का एक छोटा सा रोल था। लेकिन ओमकार ने जब ऑडिशन दिया तो आमिर खान ने उनकी जबरदस्त एक्टिंग को देखकर उनको फिल्म में लीड रोल का ऑफर किया। यह फिल्म बनी और पर्दे पर 13 अगस्त 2010 को रिलीज हुई। इस फिल्म में ओमकार के साथ रघुवीर यादव और नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म का बजट 10 करोड़ था और फिल्म ने 50 करोड़ की कमाई की। पीपली लाइव के बाद ओमकार के लिए बॉलीवुड का रास्ता खुल गया था। इसके बाद उन्होंने मुन्ना मांगे मेम साहब, न्यूटन, अलाप जैसे अनेक फिल्मों में काम किया, जिसमें 2019 में उनकी फिल्म उंडा आने वाली है। दोस्तों वैसे तो मुंबई में रोज 1 लाख से ज़्यादा लोग एक्टर बनने का सपना लेकर आते हैं और बस कुछ लोग के ही सपने पूरे होते हैं, क्योंकि सब में वो जुनून नहीं होता। किसको पता था कि छत्तीसगढ़ का एक 5 ही पास आदमी बॉलीवुड तक पहुँच चला जाएगा। बचपन से जो उन्होंने मेहनत की थी एक्टिंग में, उस मेहनत में उनको ऊंचाई पर पहुंचाया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही छत्तीसगढ़ के लोगों के बारे में जानने के लिए AR लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।